अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू प्रॉपर्टी एक्सचेंज पेरियर टाउन कराची। नाज़रीन, यासिर गफूर आज आपकी खिदमत में हाजिर है एक न्यू वीडियो के साथ। आज हम आपको 500 स्क्वायर यार्ड्स का एक लग्जरी फर्निश विला दिखाने आए हैं। नाज़रीन, ये विला जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है उनको मालूम होगा कि हमने ये विला पहले भी अपलोड किया है, वीडियोज़ की अपलोड की है, लेकिन वो पहले नॉन फर्निश था। आज हमने इसको नॉन फर्निश के साथ आपको वीडियो दिखाने आए हैं। नाज़रीन, इसकी लोकेशन बताता चलूँ तो प्रिसेंट 4 की एक बहुत ही प्राइम लोकेशन 327 पर ये लोकेटेड है। इसका आउटसाइड स्ट्रक्चर डिज़ाइन आप देख लें, एलिवेशन डिज़ाइन इसका देख लें, ये इसकी स्ट्रीट है। इस विला का आज इनसाइट टूर करेंगे और आपको दिखाएंगे कि इसके अंदर क्या क्या खूबसूरत चीज़ें आपको इसके साथ मिल रही हैं। डिमांड जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दी गई है, आप वहाँ से देख सकते हैं जी। इसका जो है आउटर जो लॉन है वो आप देख सकते हैं, इसको मेंटेन किया गया। अब हम लोग इसके गैरेज में मौजूद हैं। यहाँ पर आप दो बड़ी गाड़ियाँ ईजिली पार्क कर सकते हैं। पीछे भी आपको स्पेस मिल रही है, अभी आप देख सकते हैं इसका पूरा साइज़, ये आपने देखा इसका साइज़। और इस साइड पर आपको जो आउटर लॉन मैंने दिखाया था, इसके अंदर यहाँ पर इनर लॉन भी आपको यहाँ पर मिल रहा है, ये आप देख सकते हैं। इसका इंटीरियर लॉन जिसके साथ आपको डबल साइडेड, इसके अंदर ही आपको कॉरिडोर मिलेगा, ये आप देख सकते हैं। यहाँ से भी आपको स्पेस मिल रही है और वहाँ से उस साइड से भी आपको गैरेज वाली साइड से भी आपको स्पेस मिलेगी, जो कि आपके वॉशिंग एरिया की तरफ लीड करता है और बैक साइड एरिया की तरफ लीड करेगा। इसकी बैक साइड पर भी घर तामीर हो रहा है, उसके बिल्कुल साथ आपको एक कॉर्नर के प्लॉट पर जो घर है वो वहाँ पर फैमिली ऑलरेडी शिफ्टेड है, ये आप देख सकते हैं जी। ये इसकी बैक साइड पर जो एक गली दी जाती है जिसको आप वॉशिंग एरिया कहते हैं, लॉन्ड्री एरिया, यहाँ पर आपको बना कर दिया गया। बहुत ही स्पेशियस है ये, आप इसका साइज़ देख सकते हैं। घर के अंदर चलते हैं और आपका घर के व्यूज़ दिखाता हूँ आपको मैं जी। नाज़रीन, ये इसका रिसेप्शन एरिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेयर्स के साथ इसको हाइटेड एरिया पर इसको डिज़ाइन किया गया। हम घर के अंदर एंटर हो चुके हैं तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपको एक लॉबी एरिया मिल रहा है बहुत ही खूबसूरत कलर डिज़ाइनिंग के साथ। नीचे आप देख सकते हैं कि टाइल वर्क किया गया, ऊपर जो सीलिंग डिज़ाइन है बहुत ही यूनिक, बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर लुक आपको मिल रही है। इस साइड पर आपको एक विंडो दी गई है, उसके साथ आपको यहाँ पर दो डोर जो है वो आपको मिल रहे हैं। इसका भी मैं आपको व्यू दिखाता हूँ, उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो डोर है इसके अंदर आपको एक पाउडर रूम मिल रहा है। पाउडर रूम का आपको व्यू दिखाऊँ तो ये आप देख सकते हैं कि इसका पाउडर रूम है, एक अच्छे साइज़ का पाउडर रूम भी आपको यहाँ पर मिल रहा है, कम्बोर्ड साथ में लगा गया। बेसमेंट इसके अंदर बनाई गई है, बेसमेंट में बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइनिंग की गई है, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बेसमेंट है और इसका अपर फ्लोर यहाँ से आपको मिलेगा। उससे पहले मैं आपको इसका ड्राइंग रूम और डाइनिंग रूम दिखा दूँ तो ये आप देख सकते हैं कि ड्राइंग रूम का एरिया यहाँ से एंट्रेंस मिलेगी। तो नाज़रीन, ये आप देख सकते हैं कि कितना ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत फर्नीचर यहाँ पर इंस्टॉल किया गया। साथ में जो कर्टन हैं, साथ में कलर स्कीम आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत, ऊपर फैन इंस्टॉल्ड है और यहाँ पर आपको एक फानूस भी मिल रहा है। ड्राइंग रूम का आप लुक ले लें, उसके बाद मैं आपको इसका डाइनिंग रूम दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं नीचे टाइल वर्क कितना खूबसूरत किया गया, साथ में जो वॉल डिजाइनिंग है गोल्डन और वाइट में यहाँ पर इसको रखा गया। आगे की तरफ चलते हैं तो ये जी इसका डाइनिंग एरिया आ गया। डाइनिंग टेबल आप देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर लुक और कलर स्कीम के साथ कितनी ही खूबसूरत यहाँ पर इसका डिज़ाइन चूज़ किया गया। नीचे आप टाइल वर्क देख सकते हैं कि डिफरेंट है, वहाँ पर ड्राइंग एरिया के साइड पर आपको वाइट टाइल कलर में मिल रहा था, यहाँ पर आपको डार्क कलर में मिल रहा है। साथ में जो वॉल डिज़ाइन है वो सेम यहाँ पर भी ब्लैक गोल्डन और वाइट में किया गया। एक जो डोर है स्लाइडिंग डोर यहाँ पर भी बना कर दिया गया, आपको यहाँ से आप स्लाइड करके यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं और एंट्रेंस कर सकते हैं, ये आप देख सकते हैं। और इसके सामने ही बिल्कुल आपको एक किचन की एंट्रेंस भी मिल रही है। किचन को मैं आपको मेन एरिया से लेकर जाता हूँ जी। नाज़रीन, ये हमारा एक मेन एरिया आ जाता है, यहाँ से आप अपने फर्स्ट फ्लोर की तरफ और बेसमेंट की तरफ एंट्रेंस कर सकते हैं। ये हम लोग इसके मेन एरिया की तरफ आ चुके हैं और ये आप देख सकते हैं कि बहुत ही जॉइंट साइज़ का यहाँ पर आपको किचन मिल रहा है, जिसकी बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइनिंग की गई है। साथ में आपको रेफ्रिजरेटर मिल रहा है, तमाम किचन अप्लाइंसेस मिल रही हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक बेकिंग ओवन और आपके साथ माइक्रोवेव ओवन भी मिल रहा है। ऊपर यहाँ पर बात करें तो आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत शैंडलियर यहाँ पर इंस्टॉल किया गया, जो इसकी खूबसूरती में इजाफा कर रहा है। साथ में हम कलर स्कीम की बात करें तो यहाँ पर ब्राउन और वाइट में इसकी जो ड्रॉर्स हैं, कैबिनेट्स हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं बनाई गई हैं। पीछे यहाँ पर इसका स्टोव और जो उसका एक एग्जॉस्ट है वो भी आप देख सकते हैं, सब कुछ इंस्टॉल्ड है, पूरा रेडी टू शिफ्ट जो है वो यहाँ पर आपको विला मिल रहा है। किचन के बिल्कुल ही सामने आपको टीवी लाउंज एरिया मिल रहा है। टीवी लाउंज एरिया में आप देख सकते हैं कि मीडिया वॉल कितना ही खूबसूरत लुक यहाँ पर दे रही है, ब्लैक साथ में लाइट ब्राउन और डार्क ब्राउन का यहाँ पर टच दिया गया। नीचे आपको कंसोल मिल रहा है जो आपके टीवी लाउंज एरिया का, ये आप देख सकते हैं। और नाज़रीन, जो साथ में इसका फर्नीचर है वो भी आप देख सकते हैं, ये इसकी जो लुक है वो ग्रेश लुक यहाँ पर रखी गई है। साथ में एक आपको टेबल जो है वो यहाँ पर लगा कर दी गई है। पीछे आप कर्टन्स डिज़ाइन चेक कर सकते हैं कि कितना ही खूबसूरत यहाँ पर पूरा आपके फर्नीचर के साथ इसका जो कलर स्कीम है वो मैच कर रही है, जिसका पूरा लुक है। आप यहाँ पर फर्नीचर इसका देख सकते हैं, पूरा फर्नीचर आपको इस घर के साथ मिलेगा। डिमांड बहुत ही मुनासिब है,
आपको बैरियटन कराची के अंदर 500 स्क्वायर यार्ड्स का इस तरह की प्राइस पे विला नहीं मिलता। हम इसके फर्स्ट बेडरूम के अंदर एंटर हो रहे हैं। तो नाज़रीन ये आप देखते चलें कि कितना ही खूबसूरत जॉइंट साइज़ का यहाँ पर आपको बेडरूम मिल रहा है। साथ में बेड इंस्टॉल्ड है, पीछे आप वॉल डिज़ाइन चेक कर सकते हैं जिसका, कितना ही खूबसूरत यहाँ पर गोल्डन स्ट्रिप्स के साथ यहाँ पर इसको जो है वो अच्छी लुक यहाँ पर मिल रही है। साथ में एक मिरर ग्लास यहाँ पर इंस्टॉल किया गया, नीचे आप देख सकते हैं साइड टेबल्स के साथ वॉल टाइल जो है वो बहुत ही खूबसूरत लुक दे रही है। यहाँ पर इसकी ड्रेसिंग टेबल इंस्टॉल्ड है। ड्रेसिंग टेबल की बात करें तो यहाँ पर भी गोल्डन टच दिया गया है इसके अंदर भी, ये आप देख सकते हैं। और इसके साथ ही पीछे बिल्कुल वॉल पेपर जो है वो लगाया गया है जो कि बिल्कुल इसके फर्नीचर कर्टन सब कुछ के साथ मैच हो रहा है। कर्टन्स की बात करते चलें तो आप इसकी भी लुक देख सकते हैं कि जिसके अंदर ग्रीन टच दिया गया वो आपके यहाँ पर बेड के अंदर भी आपको मिल रहा है। वॉलपेपर के टेक्सचर की बात करें तो फ्लावर्स के साथ इसको एक टच दिया गया, ये आप देख सकते हैं। टोटल इसकी आप लोग देखें, उसके बाद यहाँ पर आपकी जो है ड्रेसिंग टेबल, साथ में इसका अटैच वॉशरूम वो मैं आपको दिखाता हूँ। जी अटैच वॉशरूम में हम आ चुके हैं। अटैच वॉशरूम में आप बात करें तो यहाँ पर आपको एक वैनिटी इंस्टॉल करके दी गई जो वाइट और ब्लैक लुक में है। साथ में आपको कमोड जो है वो भी यहाँ पर आपको मिल रहा है, उसके साथ शॉवर एरिया भी आपको यहाँ पर डिज़ाइन करके दिया गया। इसकी वार्डरोब्स जो बेडरूम की है वो आपको वॉशरूम के अंदर मिल रही हैं। वॉशरूम से थोड़ा सा आपको फासले भी मिल रही हैं, आप देख सकते हैं ब्लैक और वाइट, क्रीम और ब्लैक कलर में यहाँ पर आपको इसकी वार्डरोब जो है वो मिल रही हैं। फर्स्ट बेडरूम मैंने आपको दिखाया, अब इसके बाद हम इसके सेकंड बेडरूम की तरफ चलते हैं। सेकंड बेडरूम की बात करें तो वो भी बहुत ही खूबसूरत लुक के साथ। सबसे पहले नीचे आप देखें तो यहाँ पर आपको वुड वर्क करके दिया गया जो कि नीचे आपको यहाँ पर टाइल्स की जगह यहाँ पर आपको वुड पैनल लगा कर दिए गए, आप देख सकते हैं। सेकंड बेडरूम में हम आ चुके हैं। नाज़रीन ये आप देख सकते हैं कि कितना ही जॉइंट साइज बेडरूम यहाँ पर भी आपको मिल रहा है। बहुत ही खूबसूरत लुक है, ये कोई आम काम नहीं किया गया, बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर काम किया गया। साथ में इसकी ड्रेसिंग टेबल आप देखते चलें, या आप ड्रेसिंग टेबल की लुक लें। साथ में इसके अंदर भी गोल्डन टच आ रहा है, आप देखेंगे कि गोल्डन टच आपको हर बेडरूम के अंदर मिल रहा है। साथ में इसके कर्टन्स देखें, ये कर्टन्स भी यहाँ पर आपको ब्राइट कलर्स में मिल रहे हैं। साथ में इधर ही आपको वॉलपेपर भी मिल रहा है, वॉलपेपर में भी आप देख सकते हैं कि कितना ही खूबसूरत टेक्स्चर है, फ्लावर्स टेक्स्चर यहाँ पर आपको मिल रहा है। सेकेंड बेडरूम के साथ ही हम लोग अटैच बेडरूम में अटैच वॉशरूम में चलते हैं। तो इसकी वार्डरोब्स भी आपको इसके अंदर मिल रही हैं, ये आप देख सकते हैं। और साथ में आपको एक वैनिटी जो कि ब्लैक एंड वाइट लुक में ही रखी गई है, शॉवर एरिया और साथ में आपको कमोड एरिया भी यहाँ पर आपको मिल रहा है जो कि वॉल हैंगिंग कमोड है। इसकी सीलिंग डिज़ाइन की बात करें तो ये आप देख सकते हैं कि वुड में इसकी सारी सीलिंग डिज़ाइनिंग वुड कलर में, सारी ब्राउन डार्क ब्राउन कलर में यहाँ पर रखी गई है। नाज़रीन ग्राउंड फ्लोर का हमने आपको बेडरूम सब कुछ टूर करा दिया, अभी हम आपको इसकी बेसमेंट की तरफ लेके चलते हैं। बेसमेंट में बहुत ही खूबसूरत और अच्छी सोच के साथ यहाँ पर काम किया गया। नीचे हम चलते हैं। जी ये आप देख सकते हैं कि हम लोग इसके बेसमेंट एरिया में आ चुके हैं। यहाँ पर सबसे पहले आर्टिफिशियल ग्लास का यहाँ पर पूरी आर्टिफिशियल ग्लास यहाँ पर इंस्टॉल की गई है, आप देख सकते हैं। उसके बाद हम थोड़ा सा आगे जाएं तो ये आप देख सकते हैं कि सीटिंग एरिया बहुत ही प्लानिंग के साथ यहाँ पर अच्छी डिज़ाइनिंग, और नीचे आप देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर कलर स्कीम रखी गई है। साथ में आगे सोफ़ा सेट्स इंस्टॉल किए गए हैं, ये पूरी लुक आप इसकी देख सकते हैं। नीचे आपको बैठने के लिए टेबल्स भी हैं और साथ में आपको कुशन्स जो हैं वो इंस्टॉल करके दिए गए, या पूरी लुक देखें। इसके ऊपर जो सीलिंग डिज़ाइन की बात करें तो बहुत ही खूबसूरत शैंडलियर्स के साथ फ़ैन इंस्टॉल हैं। सीलिंग डिज़ाइन में आपको येलो टच दिया गया थोड़ा थोड़ा, और साथ में ग्रे टच भी यहाँ पर आपको मिल रहा है। बहुत खूबसूरत कैलीग्राफी यहाँ पर भी आपको मिल रही है, आप देख सकते हैं। बेसमेंट के अंदर आपको एक और चीज़ मिल रही है जिसको आप अपने मुताबिक मैनेज कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि आपको एक रूम स्पेस मिल रही है, इसके अंदर आप अपना प्लेइंग एरिया जो भी आप चाहते हैं, या प्रेइंग एरिया आप जो भी बनाना चाहते हैं यहाँ पर आप बना सकते हैं। वो जो डोर आप सामने देख रहे हैं वो बेसिकली स्टोर रूम यहाँ पर डिज़ाइन किया गया, उसके अंदर अभी थोड़ा सामान पड़ा है जिसकी वजह से उसको लॉक किया गया। अभी हम ऊपर चलते हैं, आपको फर्स्ट फ्लोर का लुक देते हैं। जी लॉबी एरिया में हम आ चुके हैं। लॉबी एरिया से हम आप फर्स्ट फ्लोर की तरफ जा रहे हैं। ये आपको स्टेज मैंने दिखाई थी जो कि इसकी बिल्कुल लॉबी से आपको इसकी एंट्रेंस मिल रही है। जी यहाँ से हम ऊपर जा रहे हैं तो आप पहले लुक ले लें कि यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत हैंगिंग जो लाइट्स हैं वो यहाँ पर लगाई गई हैं। बिल्कुल लॉबी एरिया से हम आगे जाएंगे तो हमें फर्स्ट बेडरूम, मास्टर बेडरूम जो है वो यहाँ पर मिल रहा है। इससे पहले आप यहाँ पर जो वॉलपेपर डिज़ाइन है वो आप देखते चलें कि यहाँ पर भी गोल्डन का टच इसके अंदर भी आपको मिल रहा है। मास्टर बेडरूम की तरफ हम आ चुके हैं, तो मास्टर बेडरूम की क्या ही बात है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक इस साइड पर आपको स्पेस मिल रही है, बहुत ही बड़ी स्पेस यहाँ पर आपको मिल रही है। उसके साथ मास्टर जॉइंट बेडरूम यहाँ पर आपको मिल रहा है। बेड की आप देख सकते हैं कि पीछे जो इसकी वॉल डिज़ाइनिंग की गई है कितनी खूबसूरत यहाँ पर लुक दे रही है।
के साथ इसकी ड्रेसिंग टेबल भी आपको मिल रही है, वो भी आपको देख सकते हैं। इसके नीचे जो वुड वर्क किया गया वो भी आप देख सकते हैं। इसके साथ अटैच बेडरूम है, उसकी तरफ हम चलते हैं। तो अटैच बेडरूम में आप देख सकते हैं कि एक वैनिटी ब्लैक एंड वाइट लुक के साथ जो मिरर है वो भी आप उसमें देख सकते हैं कि टच लाइट्स यहाँ पर आपको इंस्टॉल करके दी जाएंगी, ये देख सकते हैं। ये जी इसका कमोड है और साथ में आपको एक शॉवर एरिया जो सेपरेट किया गया वो भी आप देख सकते हैं। वार्डरोब जो है वो इसकी वॉशरूम के अंदर ही आपको मिल रही है। यहाँ पर लाइट्स इंस्टॉल की गई हैं, यहाँ पर एक शेल्फ सिस्टम यहाँ पर बना कर दिया गया। नाज़रीन मास्टर बेडरूम हमने आपको दिखाया, उसके बाद हम इसके बाकी एरिया की तरफ चलते हैं। ऊपर भी आपको एक टीवी लाउंज एरिया साथ में किचन आपको मिल रहा है जी। ये आप देख सकते हैं कि ऊपर आए हैं तो यहाँ पर आपको उसी साइज़ में उसी डिज़ाइनिंग में किचन आपको मिल रहा है। बस यहाँ पर जो इसका टाइल वर्क किया गया वो डिफरेंट है। नीचे आप देख सकते हैं जी, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसका जो टॉप है उसके साथ यहाँ पर आपको एक स्टॉव मिल रहा है, ऊपर आपको एग्जॉस्ट हुड जो है वो इंस्टॉल करके दिया गया। टोटल आप इसकी लुक देख सकते हैं, ब्राउन ग्रीन और वाइट लुक इसके अंदर रखी। इसकी आप लुक देख सकते हैं कि किचन का कितना बड़ा साइज यहाँ पर आपको मिल रहा है। ऊपर यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत लाइट्स हैं वो इंस्टॉल करके दी गई आपको। सीलिंग डिज़ाइन की आप बात करें तो यहाँ पर भी आपको बहुत ही खूबसूरत सीलिंग डिज़ाइन मिलेगा जी। नाज़रीन उसके बिल्कुल ही सामने आपको एक टीवी लाउंज एरिया मिल रहा है। टीवी लाउंज एरिया की बात करें तो यहाँ पर भी आपको एक सोफा सेट के साथ टेबल और साथ में मीडिया वॉल की जो लुक है वो मिल रही है। ब्लैक और ग्रेश और क्रीम कलर में यहाँ पर इसकी मीडिया वॉल जो है वो डिज़ाइन की गई है। साथ में आप कर्टन्स की लुक देख सकते हैं कि बहुत ही कलर स्कीम मैच कर रही है इसके साथ पूरी। ऊपर सीलिंग डिज़ाइन की बात करें तो बहुत ही यूनिक सीलिंग डिज़ाइन, फैन इंस्टॉल्ड है यहाँ पर। यहाँ पर आपको एक बालकनी भी मिलेगी जहाँ से आपको बहुत सी जो देख सकते हैं कि वेस्ट ओपन इस साइड बनती है, ये साइड जो है वो वेस्ट ओपन बनती है, उसकी वजह से यहाँ पर आपको हवा बहुत तेज़ मिलेगी। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर भी आपको स्पेस दी गई है। टीवी लाउंज के बाद हम चलते हैं इसके बाकी के बेडरूम्स में। टू बेडरूम्स रह गए, टोटल फाइव बेडरूम्स है। फोर्थ बेडरूम में हम एंट्रेंस कर रहे हैं तो फोर्थ बेडरूम की बात करें तो यहाँ पर आपको ग्रे लुक जो है ज़्यादा मिल रही है। साथ में आप देख सकते हैं कि बेड जो है यहाँ पर लगाया गया आपके लिए। पीछे वॉल डिज़ाइनिंग जो है बहुत ही खूबसूरत, साथ में कर्टन्स और ऊपर सीलिंग डिज़ाइन जो है वो भी आप देख सकते हैं। गोल्डन टच इसके अंदर भी आपको मिल रहा है, ये आप देख सकते हैं कि वॉलपेपर के अंदर भी आपको गोल्डन टच मिलेगा। उसके साथ यहाँ पर जो स्ट्रिप्स हैं वो भी गोल्डन में आपको मिल रही है। ड्रेसिंग टेबल जो है उसकी भी आप लुक देखते चलें तो यहाँ पर आपको डार्क ग्रे कलर में, ये भी आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत लुक दे रही है। यहाँ पर आपको मिरर जो है वो इंस्टॉल करके दिया गया। इस बेडरूम की जो वार्डरोब है वो आउटसाइड द वॉशरूम है, ये आप देख सकते हैं। वॉशरूम की तरफ चलते हैं तो वॉशरूम में आपको बहुत ही स्पेशियस वॉशरूम यहाँ पर मिल रहा है। नीचे आपको एक कमोड, साथ में आपको सेपरेट वॉशिंग शॉवर एरिया भी मिल रहा है। उसके साथ यहाँ पर आपको एक वैनिटी भी मिल रही है, ब्लैक एंड वाइट लुक में वैनिटी आपको मिल रही है। फोर्थ बेडरूम का आपको विजिट करवाया, अब हम चलते हैं इसके फिफ्थ बेडरूम की तरफ। फिफ्थ बेडरूम भी बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन किया गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ब्लैक एंड गोल्डन कलर में इसकी स्कीम रखी गई है। कलर स्कीमिंग आप देख सकते हैं, ये ब्लैक एंड गोल्डन कलर में जिसकी ड्रेसिंग टेबल है वो भी आप देखते चलें। ऊपर एक लैंप इंस्टॉल्ड है, उसके साथ यहाँ पर कर्टन्स हैं वो भी आप देख लें। ये इसका टोटल जो है वो लुक है बेडरूम का। पीछे आप इसकी जो वॉल डिज़ाइनिंग है वो देखते चलें कि वाइट गोल्डन, और आप देख सकते हैं कि मिरर के साथ इसका बहुत ही खूबसूरत कॉम्बिनेशन बन रहा है। नीचे टाइल वर्क बिल्कुल वाइट किया गया, वाइट कलर की टाइल्स यहाँ पर लगाई गई हैं। आउटसाइड तो वॉशरूम में इसकी जो आपको वार्डरोब्स हैं वो मिल रही हैं। यहाँ पर बहुत खूबसूरत लाइटिंग की गई है शेल्स के अंदर। बेडरूम के साथ ही आपको अटैच वॉशरूम मिल रहा है, उसके अंदर भी चलते हैं। यहाँ पर आप लोग देखते चलें कि यहाँ पर भी आपको एक वैनिटी के साथ बहुत ही खूबसूरत लाइटिंग जो मिरर है वो भी यहाँ पर आपको मिल रहा है। हसीन ये आपका वॉल हैंगिंग कमोड है जिसके साथ आपको एक शॉवर एरिया भी मिल रहा है। तो व्यूवर्स ये था आज हमारा 500 स्क्वायर यार्ड्स का विला इनसाइड टूर, जो कि फर्निश था, बहुत ही खूबसूरत फर्निश किया गया। अगर आप ये विला बाय करना चाहते हैं या पेरियड ऑन कराची के हवाले से आपको किसी भी किस्म के अपडेट्स चाहिए तो हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर आप रब्ता कर सकते हैं। अगर आपको ये विला पसंद आया है तो हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। अब मैं आपको उसका दिखाता हूँ कि इसके टेरेस पर आपको कैसा लुक मिलेगा। टेरेस पर जाता हूँ तो ये आप देख सकते हैं टेरेस था आपको बहुत ही स्पेशियस, यहाँ पर भी आपको एक स्पेस मिल रही है। ये नाज़रीन इसका टेरेस है, आप देख सकते हैं कि टेरेस की स्पेस आपको एक अच्छी यहाँ पर सेटिंग एरिया आप बना सकते हैं अपना। सामने से आप व्यू की बात करें तो बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर आपको पसंद व्यू मिलेगा।
आपको फर्स्ट फ्लोर पर भी एक पाउडर रूम दिया गया है, उसका भी लुक देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि फर्स्ट फ्लोर पर जो पाउडर रूम है वो भी आपको अच्छी स्पेस में आपको मिल रहा है। ये आप देख सकते हैं इसकी वैनिटी, सामने एक मोड जो है वो इंस्टॉल किया गया। पेरियड ऑन कराची के वाले से किसी भी किस्म को आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं। इसी के साथ यासिर गफूर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।